Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. आज हमें बांकेपुर विधानसभा सीट पे जिसपे 15 साल से एक विधायक काबिज है नितिन नवीन जी और उनके विरुद्ध कांग्रेस ने उतारा है लव सिन्हा को। लव सिन्हा आपको मैं बता दूं कि एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं उनके बेटे हैं और वो पॉलिटिशियन भी है शत्रुघ्न सिन्हा जी। तो कांग्रेस ने उतारा है लव सिन्हा को, आइए आज उनसे बात करते हैं। और साथ में पूनम जी भी हैं, उनकी मदर और शत्रुघ्न जी की वाइफ। तो इन दोनों से हम बात करेंगे क्या स्ट्रेटेजी है इनकी इस पोल को लेके। तो पहले मैं आपसे पूछूंगा कि ये आपका फर्स्ट चुनाव है जी, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए इस बारे में, कैसा नया अनुभव कैसा अभी आपको लग रहा है? नया अनुभव तो बिल्कुल नहीं है और ये मेरा पहला चुनाव नहीं है, सिर्फ मेरा पहला चुनाव है प्रत्याशी के रूप में। मैं 2009 से हर चुनाव में आ रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पिताजी के साथ मैंने काम किया है। उस वक्त भाजपा में थे तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी देखा मुझे, तो वो जानते हैं कि मैं कैसे काम करता हूँ। पिछले साल कांग्रेस ने भी देखा कि मैं आता हूँ, मैं बस काम करता हूँ, ऐसे उम्मीद के साथ काम नहीं करता, काम करता अपने पिताजी के लिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए। और आप पूछ रहे थे कि कैसा लग रहा है, मतलब कि इस बार सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि मैं अपने आप के लिए वोट मांग रहा हूँ, पहले मैं अपने पिताजी के लिए वोट मांगता था। प्यार वही है और मतलब कि जो हर चुनाव में जो मेहनत होती है वो तो इस बार थोड़ा ज़्यादा है कि मैं सब कुछ अपने आप के लिए कर रहा हूँ इस बार। दूसरा, जो कि 15 साल से विधायक है आपके सामने, टफ कंपटीशन, आप मानते हैं इसको? मैं तो मानता हूँ कि जो पार्टी से वो जुड़े हैं वो पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, जन शक्ति धन शक्ति भरपूर है उनके पास और जी जान लगा देंगे इनको जिताने के लिए। तो टफ फाइट है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमज़ोर कंपेटिटर हूँ, मैं भी आया हूँ लड़ने। ये सब चीज़ जानने के बावजूद मैं मैदान में उतरा, तो आप सोचिए कि मेरे मन में कुछ तो बात थी कि अगर सामने वाला कहते हैं आपकी मतलब कि 15 साल से है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टक्कर ना दे, आप लड़ाई नहीं कहे, लड़ाई मतलब चुनावी लड़ाई, व्यक्तिगत लड़ाई तो बिल्कुल नहीं है मेरी उनके साथ, पर चुनावी लड़ाई आप कॉन्टेस्ट ना करें। मेरा मानना है कॉन्टेस्ट करना ज़रूरी है और एक बदलाव लाने की कोशिश जो हम सब की वो बदलाव लाना भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं जरा पूनम जी से बात करूंगा। पूनम जी पहले हस्बैंड अब बेटा। बहुत प्राउड हूँ मैं एज अ वाइफ एंड एज अ मदर आल्सो, बिकॉज लव ने जो कदम लिया है, मुझे लगता है कि ऐसे लोग और आने चाहिए जो कि एडुकेटेड हैं, जो आगे की सोच रखते हैं और अपने स्टेट के लिए कुछ करना चाहते हैं और अपने देश के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी हो गया है इस वक्त कि ऐसे यूथ आए और हमारे देश की बागडोर संभालें। तो आप किस तरह का लव को सपोर्ट दे रही हैं? मैं अपनी कैंपेनिंग कर रही हूँ बिकॉज मेरी अपनी एक वो है, फॉलोइंग है यहाँ पर और ऑफ कोर्स पटना की बहू हूँ मैं, बिहार की बहू हूँ, तो लव के लिए तो काम करना ही है मुझे। अच्छा, लव मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बिहार इलेक्शन देश में भी काफ़ी एक फेमस इलेक्शन है, मतलब काफ़ी मायने रखते हैं, ऐसे राजनीतिक बहुत आए हैं, तो किस तरह का आपको मतलब किन मुद्दों को लेके आप जनता के सामने जा रहे हैं? देखिए, अगर बिहार की बात करें, बांकीपुर के मुद्दे जो है वो भी बिहार के ही मुद्दे हैं। जैसे यहाँ पे शिक्षालय की कमी है, मतलब हम एक ज़माने में हम मानते थे कि बिहार कह सकते थे भारत का मतलब कैपिटल होता, राजधानी होती थी ज्ञान के मामले में या पढ़ाई के मामले में, पर अभी वो नहीं रहा यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे स्वास्थ्य केंद्र की इतनी कमी है, हेल्थ सेंटर अस्पताल इनकी इतनी कमी है यहाँ पे कि आदमी बीमार होता है उसको पहले डर है कि मैं बीमार ना हो क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ जाऊँगा। बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, मतलब अरे आप कहते हैं कि 27 साल में बिहार जो डेवलपमेंट इंडेक्स पे लास्ट क्यों आ रहा है 27 साल, पूरे 27 साल। अगर आप इल्ज़ाम या आरोप लगाएंगे मतलब कि पहली सरकार पे, तो मैं बोलूँगा आपको 15 साल मिले, आपने क्यों नहीं कुछ बदला? 15 साल तो आपको पूरे मिले, आप कुछ चेंज नहीं कर पाए यहाँ पे। तो इसी से मुझे दुख होता है क्योंकि आपको मौका मिला था, आपने पहले कह सकते शुरुआत में कोशिश भी की पर उसके बाद सब ख़त्म। बाकी सिर्फ मतलब हर बार आप कहते हैं कि हम रोज़गार देंगे, तो मतलब आप मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि आपने रोज़गार नहीं दिया, क्योंकि 15 साल में आप कह रहे हैं कि हमने रोज़गार नहीं दिया, इस बार हमें चांस दीजिए हम आपको रोज़गार देंगे। जब कोई भी वायदे करता ना उसके पीछे आप समझ लीजिए कि वो वायदा पूरा नहीं किया इसलिए फिर से कर रहे हैं जी। एक बीजेपी ने घोषणा पत्र निकाला जिसमें उन्होंने कोरोना वोट के बदले कोरोना की दवाई जैसी बातें करी, काफ़ी आलोचना हुई, थोड़ा सा उस पर आप आलोचना हुई तो बहुत अच्छी बात है आलोचना हुई, क्योंकि मुझे तो हंसी आई कि मैंने पहले तो आप बोल रहे कि जो मतलब आपको कहना भी नहीं चाहिए, मतलब कोई भी सरकार का, केंद्र सरकार का
कर्तव्य क्या है कि अपने मतलब नागरिकों की देखभाल करें, तो आप क्यों कह रहे हैं हम फ्री में देंगे? मतलब आपको फ्री में तो देना ही चाहिए। और इसके अलावा पहले मुझे बताइए सर कि आप कब निकाल रहे वैक्सीन, पहले आप मुझे वो समझाइए फिर कहिए ना कि हम फ्री में देंगे। यहाँ पे आपने उल्टा कर दिया, निकाले नहीं है वैक्सीन और वादा कर रहे हैं आप कि हम देंगे आपको वैक्सीन। मुझे थोड़ा मतलब अजीब लगा, और यही चुनाव के वक्त ही आपको याद आया। 2 महीने पहले क्यों नहीं किया? 2 महीने पहले संख्या कम थी क्या कोरोना संक्रमित लोगों की? मुझे तो मानना है कि मजाक आता है, मजाक किया ये थोड़ा। पूनम जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब एक्टर टर्न पॉलिटिशियन, ये फैमिली का एक रिवाज है? सोनाली भी आ गई? नहीं नहीं, सोनाक्षी नहीं नहीं, फिलहाल तो सोनाक्षी अपने काम में बिजी है, और जहाँ वो पहुँच चुकी है वो काफ़ी अच्छी जगह है, तो और वो क्रिएटिव भी है, सब बच्चे क्रिएटिव हैं, लव भी बहुत ही मतलब फिल्मों में अपना नाम बना चुका है। तो मुझे लगता है कि हर एक को अपनी लाइन चुनने देनी चाहिए, हमें अपना जो है उन पर नहीं थोपना चाहिए कि आपको ये करना है इसलिए कि पापा थे पॉलिटिशियन तो तुमको भी बनना है। नहीं, ये लव की अपनी राय थी कि वो करना चाहता है कुछ, तो हमने उसको सिर्फ मेरी राय नहीं थी, पार्टी का आदेश था, मेरी राय नहीं थी, मैं ऐसे काम नहीं करता। मम्मा हो सके थोड़ा सा कह रहे थे, पर इनकी मेरी राय नहीं थी, पार्टी का आदेश था कि पार्टी ने डिस्कशन की, उन्होंने फिर कहा कि हम चाहते हैं कि लव इस बार चुनाव लड़े, हमने डिस्कस किया फिर, उसके बाद फिर हम लोग सोचे कि ठीक है अभी एक शुरुआत है, अभी लड़ना है, आइए अपने घर में आइए और चुनाव लड़िए, आगे तो होगा जो बिहार परिवार जो तय करेगा वो तो तय करेगा, पर मैं मानता कि उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। तो क्या राहुल से बात हुई थी? राहुल जी से इसके बारे में बात तो नहीं हुई थी, पर राहुल जी से मैं पहले मिल चुका हूँ, पर ये जो तय हुआ था मुझे राहुल जी का ओबीसी निर्णय तो था ही, मतलब उन्होंने डिसाइड तो किया होगा, डिसीजन ली होगी, पर बाकी भी सब लीडर्स थे उन्होंने भी ये तय किया था। मैं भी बाहर थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में गया पटना के, तो लोग थे कि कोई कह रहा कि शराबबंदी ठीक ढंग से लागू नहीं हुई। बूट लेगिंग कितनी बढ़ गई है शराबबंदी के कारण, क्योंकि आपने रोक तो दिया, जो बच्चे जो बेरोजगार है अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, वो बूट लेगिंग में लग जाते हैं, क्योंकि उससे उनको रोजगार मिलता है, पैसे मिलते हैं उससे, तो ये दुख की बात है। वही मैं कहता हूँ इरादे अच्छे थे, हम ये नहीं कह सकते इरादे बुरे थे, इरादे अच्छे थे, पर आगे का लॉन्ग टर्म जो सोच थी उस वो ठीक से नहीं की ना, मतलब पॉलिसी आपने बना दी पर आपने सोचा नहीं इसका मतलब बुरा असर क्या हो सकता है। तो लेट्स नॉट से कि क्योंकि सरकार सब चीज़ में बुरी है, उन्होंने कोशिश की थी पर ये बुरी कोशिश निकली कि उन्होंने आगे का सोचा नहीं। पापा कब से आपका चुनाव प्रचार ज्वाइन कर रहे हैं? पापा ने तो ऑलरेडी ज्वाइन कर ही लिया है, वो आ गए हैं अब मैदान में वो भी, और अभी कैंपेनिंग कर रहे हैं लव के लिए भी, और भी जो हैं यहाँ के प्रत्याशी उनके लिए भी कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स 100% 100% हाँ बिल्कुल चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, आप लोग भी चाहें आप सब भी चाहें। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, देखिए मैं सिर्फ यहाँ पे इस कारण के नहीं आया हूँ कि विधायक की कुर्सी चाहिए मुझे, मैं आया हूँ यहाँ पे क्यों, पटना में जो समस्या है अगर मैं उसको थोड़ा सुधार सकूँ तो इसीलिए मैं आया यहाँ पे। देखिए कुर्सी वो आदमी चाहता है जिसके कुछ और कारण होते हैं, मेरा कारण एक ही है कि मैं पटना के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अगर ये मौका मुझे दिया जाता है, मतलब अगर ये कुर्सी आती है मेरे पास तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। थोड़ा सा मैं आपको सेकंड लास्ट एक क्वेश्चन पूछूंगा कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, किसी भी मैनिफेस्टो में कोई भी पार्टी डालती नहीं, इस बार तेजस्वी ने डाला है, ठीक है उन हाँ, तो तेजस्वी की रैलियों में भी काफ़ी भीड़ है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बेरोजगारी बिहार में कितनी है पहले वो बता देता आपको, 46% बेरोजगारी बिहार में, इसका तुलना करें पूरे देश से तो ये दुगना है। यहाँ पे कह सकते हैं ना कि सरकार पूरी तरह से असफल रही इस मामले में, और मेरा मानना है कि तेजस्वी जी ने जो मतलब प्रॉमिस किया है, मैं मानता हूँ कि प्रॉमिस किया होगा कुछ सोच के, क्योंकि अगर आप ऐसा प्रॉमिस करते हैं घोषित कुछ करते हैं ना ऐसे स्थिति में तो हर कोई याद रखता है, तो उन्होंने आगे का भी कुछ सोचा होगा। और मेरा मानना है कि 10 लाख ठीक है, अगर 10 लाख ना हो मेरा तो मानना है वो ज़रूर पूरी कोशिश करेगा कि 5-6 लाख तो हो जाए, क्योंकि ज़रूरत है हमारे बिहारी युवाओं को, मतलब हर कोई बाहर जाता है यहाँ पे, मतलब मौका नहीं मिलता उनको, काम नहीं मिलता इसलिए तो बाहर जाते हो, तो कोशिश ज़रूर करेंगे। और फिर उसके बाद मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, भाजपा ने तो कह दिया कि 19 लाख, तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि सर क्या पहले आपने 2 लाख दिया है, अब 19 लाख अभी कह रहे हैं, पहले आपने 4 लाख भी दिए, अगर वो दे दिए तो बता दीजिए फिर 19 लाख की बात करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि मेरे भी लोगों से बात उड़ती थी, मैंने कहा था आप
आप किसको वोट देना चाह रहे हैं, मतलब आपके दिलो दिमाग में क्या है, तो वो बोलते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आता, वी आर कन्फ्यूज्ड बेसिकली, बिकॉज अगर हम आप देखते हैं मतलब अगर हम लालू या तेजस्वी तो हमको लालू नज़र आता है कि 15 साल में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, तो थोड़ा सा इस पर आप देखिए हर किसी के लिए तो मैं बात नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मेरा मानना है कि देखिए हर पार्टी में कोई ना कोई अच्छा होता है, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। मैं पिछली बार भी जब वोट पिछली बार जब प्रचार करा था मेरे पिताजी के लिए, मैंने कहा कि आप शत्रुघ्न सिन्हा जी को देखिए, से पार्टी भी है और व्यक्ति भी है, दोनों को देखिए और फिर तय कीजिए अपने आप। मैं तो सिर्फ आपको कहूँगा कि आप सोचिए समझिए कि आपके राज्य के लिए क्या बेहतर है, मेरे राज्य मेरे बिहार के लिए क्या बेहतर है, और मैं अपने बारे में भी कहूँगा, मैं कहता हूँ कि आप सोच के मुझे वोट दीजिए, इसलिए सिर्फ मुझे वोट मत दीजिए क्योंकि मैं बिहारी बाबू का बेटा हूँ, इसलिए वोट दीजिए मुझे कि मैं आया हूँ आप ही के लिए आया हूँ, और ये मैं मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति के लिए ऐसे ही होना चाहिए। आप उनके इरादे के बारे में सोचिए और उनके सिर्फ पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में मत सोचिए। जी ठीक है, तो ये थे पूनम जी और लव मेरे साथ। लव इस सीट बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो अब देखना होगा वो कितना इस चुनाव में आगे जाते हैं, ये जनता ही तय करेगी, फाइनल डिसीजन जनता का होगा। तो आगे भी हम ऐसे ही आपके सामने स्टोरीज लाते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे और जो कैंडिडेट्स हैं उनसे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे बिहार के फ्यूचर की। तो मैं आशीष कैमरामैन मदनलाल जी के साथ मौजूद स्टोरी के लिए। I don't know.